Welcome back, dear students, and I'm Harsh Paliwal from Computer Science Department, and आज हम पढ़ने वाले हैं Types of Relationships in DBMS, या कई बार हम इसको Cardinality भी बोलते हैं. So let's begin. Relationship in DBMS. Any association between two entity types is called a relationship. हम इसको आगे continue करें, उससे पहले हम brief में देख लेते हैं कि हम मॉडल्स की बात कर रहे थे अभी तक. लास्ट में हमने डिस्कस किया था ईआर मॉडल. तो जितने भी हमारे डेटा मॉडल्स होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, हम वन बाय वन उनको देख रहे हैं. हम इससे पहले नेटवर्क मॉडल भी देख चुके हैं. ईआर मॉडल जब हमने देखा था तो हमने बात की थी एंटिटी की और रिलेशनशिप की. फिर एंटिटी में हमने देखा था कि कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो होता है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके ऊपर एक टेबल बनाई जा सकती है, उसको बोलते हैं एंटिटी. जैसे स्टूडेंट हो गया, कोई कोर्स है तो कोर्स भी एक एंटिटी हो सकती है. कस्टमर एक एंटिटी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए हम एक टेबल बना सकते हैं कि कस्टमर का आईडी, उसका नाम, उसकी डिटेल्स जो भी है वो सब हम एक टेबल में रख सकते हैं. तो कस्टमर भी एंटिटी हो गया. ठीक, तो आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप की. तो रिलेशनशिप तब आती है रिलेशनशिप के बाद जब हमारे पास एक से ज़्यादा एंटिटी एग्जिस्ट कर रही हैं. ठीक है, तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि कोई भी एसोसिएशन जब होता है दो एंटिटीज़ में, तो वो एसोसिएशन किस टाइप का है उसको बोलते हैं हम रिलेशनशिप. सो एंटिटीज़ कैन टेक पार्ट इन द रिलेशनशिप. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड शेप. तो जो हमारा रिलेशनशिप होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डायमंड शेप से. और एंटिटीज़ को हम डिनोट करते हैं रेक्टेंगल से. सो बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू एंटिटीज़. दो एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप हो सकती हैं वो तीन टाइप की हो सकती हैं. पहली वन टू वन रिलेशनशिप, दूसरी वन टू मैनी या मैनी टू वन, तीसरी होती है हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. तो अब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि ये तीनों जो हैं कैसे रिलेशनशिप्स होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे इन DBMS. सो वन टू वन रिलेशनशिप. सच अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन ईच रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल इज रिलेटेड टू ओनली वन रिकॉर्ड ऑफ द अदर टेबल. ऐसे केसेस में हमारे पास दो एंटिटी हैं, दो एंटिटी यानी दो टेबल्स हैं. दो टेबल्स जो हैं आपकी, वो उसमें इस टेबल की एक रो दूसरे टेबल की सिर्फ एक रो से ही अटैच की जा सकती है. जैसे यदि स्टूडेंट की बात कर लें तो स्टूडेंट के फीस का अलग रिकॉर्ड रख दिया और स्टूडेंट के लाइब्रेरी का अलग रिकॉर्ड रख दिया, तो ये दो टेबल बन गई हमारे पास. लेकिन दोनों टेबल में कॉमन क्या होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर से हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम इस बच्चे की बात कर रहे हैं. तो अब इन दोनों टेबल में कॉमन चीज़ क्या आ जाएगी, रोल नंबर. तो इस टेबल का जो रोल नंबर है वो रो है, उससे हम क्या कर सकते हैं, रोल नंबर के थ्रू दूसरे टेबल में सिर्फ एक ही रो एसोसिएट होगी. हर बच्चे के लिए सिंगल लाइन में डेटा मेंटेन किया जाएगा पूरा. कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन रो कितनी बता रहे हैं अभी हम, एक. किस केस में, वन टू वन रिलेशनशिप के केस में. फिर से पढ़ें. सच अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन ईच रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल इज रिलेटेड टू ओनली वन रिकॉर्ड ऑफ द अदर टेबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर टू एंटिटीज, पर्सन एक एंटिटी हो गई, उस एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उसका आईडी है कुछ, नेम, एज एंड एड्रेस, एंड दूसरी एंटिटी हो गई हमारी पासपोर्ट. पासपोर्ट को भी क्या बोला है हमने, एक एंटिटी. तो पासपोर्ट के अंदर अगर टेबल बनाते हैं हम पासपोर्ट नाम की, तो उसमें डिटेल्स क्या होगी, पासपोर्ट आईडी और पासपोर्ट नंबर. ठीक, सो ईच पर्सन कैन हैव ओनली वन पासपोर्ट एंड ईच पासपोर्ट बिलोंग्स टू ओनली वन पर्सन. तो हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही पासपोर्ट हो सकता है और जो पासपोर्ट है वो भी सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता है. मतलब सेम आईडी एक से ज़्यादा लोगों को नहीं मिल सकता. सेम एज यदि हम आधार कार्ड की बात करें, तो यदि आपके पास में आधार कार्ड है तो हर किसी के पास में एक ही आधार कार्ड है, मतलब सेम नंबर लिखा हुआ है उसका. और आपके नंबर का जो आधार कार्ड है वो सिर्फ आप ही के पास है और किसी के पास में नहीं है. तो ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पर इस साइड जो है वो इधर किसी एक के साथ ही एसोसिएट होगा, तो उसको बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप. ठीक, इन द गिवन एग्जांपल वी कैन इजीली स्टोर द पासपोर्ट आईडी इन द पर्सन टेबल ओनली, बट वी मेक अनदर टेबल फॉर पासपोर्ट
because passport number may be sensitive data and it should be hidden from certain users. So by making a separate table, we provide extra security that only certain database users can see. तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर दो टेबल बन रही है, एक बन गई ये वाली, दूसरी बन गई है. तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि यार दो टेबल क्यों बना रहे हैं हम एक ही टेबल के अंदर जो डेटा यहाँ रखने वाले हैं वो डेटा भी हम इस पर्सन टेबल में ही रख लेते हैं. जो इस पर्सन की डिटेल्स थी, नेम, आईडी, एज और एड्रेस, इसके साथ में ही हम डाल देते पासपोर्ट आईडी और पासपोर्ट नंबर. लेकिन क्या हो रहा है, हमने ये चीज़ दोनों अलग अलग टेबल्स में रखी, तो इसके पीछे रीज़न क्या रहा है, सिक्योरिटी. कैसे, अब ये जो आईडी है, ये आईडी तो कॉमन रखा दोनों टेबल्स में, और यहाँ ये देखो ये डायगोनल बना हुआ है, सॉरी डायमंड, ये डायमंड बताता है रिलेशनशिप के सिंबल को. तो पर्सन हैज़ पासपोर्ट, वन पर्सन हैज़ वन पासपोर्ट, और वन पासपोर्ट बिलोंग्स टू वन पर्सन. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो डिटेल्स इस पर्सन से रिलेटेड थी वो इस टेबल में रखी, और पासपोर्ट से भी जुड़ा हुआ आईडी नंबर तो हमने इस टेबल में रख लिया, ताकि इस टेबल से जब हम इस टेबल को ज्वाइन करना चाहें तब क्या होगा, कोई कॉमन वैल्यू होगी तब तो ज्वाइन होगी टेबल. तो वो कॉमन वैल्यू तो इस टेबल में आ गई, लेकिन बाकी की डिटेल्स किस में रहेगी, पासपोर्ट वाली में. क्यों? क्योंकि हर किसी को वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करना है. ठीक है, तो ये था हमारा वन टू वन रिलेशनशिप. नेक्स्ट हम बात करते हैं वन टू मैनी और मैनी टू वन रिलेशनशिप के बारे में. तो ऐसी रिलेशनशिप कब होती है दो टेबल्स के बीच में, जब एक टेबल की एक रो दूसरे टेबल की एक या एक से ज़्यादा रोज से क्या हो रही हो, जुड़ पा रही हो, तो फिर हम उसको बोलेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप. या फिर दूसरे टेबल की एक रो पहले टेबल की मल्टीपल रोज से क्या हो रही हो, एसोसिएट हो पा रही हो, कॉमन वैल्यूज़ निकल रही हो उसमें. जैसे मान लो रोल नंबर, तो एक रोल नंबर आपका फीस वाले में तो एक ही बार लिखा है, लेकिन लाइब्रेरी में आपने बहुत सारी बुक्स ली थी तो आपके रोल नंबर की चार बार एंट्री दी हुई है उसमें अलग अलग बुक्स के लिए. तो ये हो जाएगा वन टू मैनी रिलेशनशिप. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. ये एग्ज़ाम्पल ले लिया हमने, आप कस्टमर हैं, कस्टमर हैज़ अकाउंट, सॉरी यस, कस्टमर हैज़ अकाउंट. तो जहाँ वन था वहाँ तो वन लिखा हुआ है, लेकिन मैनी साइड में क्या लिख रखा है हमने, स्मॉल एन. सो ये कैसी रिलेशनशिप है, वन टू मैनी. अब आप एक कस्टमर हो किसी बैंक के, आपके एक से ज़्यादा अकाउंट्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर बैंक में, या मल्टीपल बैंक्स में भी यदि बात करें. तो जब कस्टमर तो एक ही है, यानी ये वाली जो एंटिटी है उसमें से एक ही रो लिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स हो गए, तो ये रिलेशनशिप कैसी हो गई, वन टू मैनी. इसका एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं ऊपर. इफ़ देर आर टू एंटिटी टाइप्स, एक कस्टमर हो गया एक अकाउंट, देन हर कस्टमर का एक से ज़्यादा अकाउंट हो सकता है, बट बहुत सारे वो जो अकाउंट निकले हैं वो सबको हैंडल कौन करेगा, वो एक ही पर्सन हैंडल करेगा. तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मैनी हो गया, लेकिन इस साइड क्या आ रहा है, वन. सो वन टू मैनी और मैनी टू वन, दो टाइप के रिलेशनशिप होती है. आगे और एग्जांपल देखते हैं. अब देखिए, एक साइंटिस्ट इन्वेंट्स इन्वेंशन. आपका टास्क है, आपको कमेंट्स में बताना है कि ये वाला जो है, ये स्लाइड, इस स्लाइड में एंटिटीज कौन कौन सी हैं और रिलेशनशिप कौन कौन सी हैं. ठीक है, आपको ये पता है कि एंटिटी जो है उसका सिंबल क्या है और रिलेशनशिप का क्या सिंबल है. ठीक है, तो अगर बात करें साइंटिस्ट इन्वेंट्स इन्वेंशन, तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, कुछ इन्वेंट किया है, किसी आविष्कार को इन्वेंट किया है. तो हो सकता है एक ही साइंटिस्ट है, उसने बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट कर दिया हो, बहुत सारे आविष्कार कर दिए हों. तो ये हो गया वन टू मैनी रिलेशनशिप. यहाँ एक ही बंदा है, लेकिन उसने काम जो किए हैं वो कैसे किए हैं, बहुत सारे किए हैं, मल्टीपल, मैनी. तो इस साइड आ गया मैनी. दूसरा यदि देखें मैनी टू वन के लिए, तो एक स्टूडेंट है, ठीक, सॉरी हाँ अभी एक देख लेते हैं. यह स्टूडेंट एक, और वो एनरोल हुआ है किस में, कोर्स में. अब कई बार क्या होता है कि आपका जो कोर्स है, मान लो बीएससी या बीसीए और बीई वॉट एवर इट मे बी, तो आपका जो भी कोर्स है उस एक कोर्स में आपकी क्लास में
आप अकेले तो नहीं रहते हो, और भी लोग रहते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स कैसे हो गए मैनी, और कोर्स कैसा हो गया वन। सो ये आपके रिलेशनशिप कौन सी वाली आ गई, मैनी टू वन रिलेशनशिप, और ये वाली कैसी थी, वन टू मैनी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सच रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन ईच रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट टेबल कैन बी रिलेटेड टू वन और मोर देन वन रिकॉर्ड ऑफ सेकेंड टेबल। तो इस टेबल के भी एक रो उधर एक से ज़्यादा रोज से कनेक्टेड है सेकेंड टेबल की, और वैसे ही सेकेंड टेबल की भी एक रो यहाँ फर्स्ट टेबल की एक या एक से ज़्यादा रोज से कनेक्टेड हो सकती है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा, ये दो एंटिटीज ले ली, कस्टमर बाइज प्रोडक्ट। तो एक कस्टमर है, आप गए, आप किसी मॉल में गए, तो आपने प्रोडक्ट्स खरीदे कुछ, ठीक। तो प्रोडक्ट्स खरीदे तो जनरली हम जब कहीं जाते हैं शॉपिंग के लिए तो सिर्फ एक चीज़ लेकर नहीं आते हैं, हम मल्टीपल चीज़ें परचेस करते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर कैसा आया, मैनी वाला, मैनी प्रोडक्ट्स खरीदे। अब जो प्रोडक्ट हमने ख़रीदा है वो सिर्फ हम ही तो नहीं खरीदते हैं, और भी लोग खरीदते हैं। तो इस प्रोडक्ट को कितने लोगों ने ख़रीदा, मैनी कस्टमर्स ने। तो ये रिलेशनशिप कैसी हो गई, मैनी टू मैनी, मैनी कस्टमर बाइज मैनी प्रोडक्ट्स, इज इट क्लियर। उसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो एम्प्लॉई इज़ असाइंड अ प्रोजेक्ट। तो एक एम्प्लॉई है, उसको कोई प्रोजेक्ट असाइन किया हुआ है, इज इट क्लियर। तो अब उसको प्रोजेक्ट असाइन किया है, तो कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक पर्सन उसको हैंडल नहीं करता, एक से ज़्यादा पर्सन हैंडल करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ कितने लगेंगे, बहुत सारे। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इसमें लग गए। अब जनरली क्या हो रहा है कि फेजेस चलते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, पहले फर्स्ट फेज़ में आया, देन सेकंड फेज़ में आया, ऐसे। तो जो फर्स्ट फेज़ वाले एम्प्लॉयज़ थे सबको अलॉटमेंट तो हो गया कि आप इस फेज़ में इस प्रोजेक्ट में काम करोगे, लेकिन मान लो यदि अभी उनका काम नहीं है उस प्रोजेक्ट में, थोड़े टाइम बाद आने वाला है, या वो पहले कर चुके हैं काम, तो अब उनको आइडल तो रखेगी नहीं कंपनी, वो क्या करेगी, उनको किसी दूसरे काम में भी लगा के रखेगी। तो क्या होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे एक एम्प्लॉई के, इज इट क्लियर। तो एक एम्प्लॉई बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हो सकता है, और एक ही प्रोजेक्ट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो सकती है, इज इट क्लियर। सो ये क्या हो गया हमारा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, इज इट क्लियर। पढ़ सकते हो चाहो तो, इफ़ देर आर टू एंटिटी टाइप्स, कस्टमर एंड प्रोडक्ट, then each customer can buy more than one product and a product can be bought by many different customers. So guys, यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो तो उसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं। थैंक यू।